हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डामर सेजल और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि कोरोना काल में घर आ रहे मेहमान, तो इन बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो आज मैं आपको उसकी बातें बताने वाली हूँ। तो कोरोना वायरस का डर हर वक्त हर तरफ फैला हुआ है, तो कुछ लोगों ने इस डर को चलते रक्षाबंधन का त्यौहार भी नहीं मनाया है और अन्य त्यौहार भी उन्होंने नहीं मनाए हैं और सारे त्यौहार फीके है हो रहे। अब आने वाले समय में एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं, साथ ही आपको अपने प्रियजनों से मिलने का मन भी हो रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप लंबे समय से किसी से नहीं मिले होते हो, इसलिए आपको भी हो रहा होता है मन जाने का। तो कोरोना वायरस, तो फ्रेंड्स, तो आइए हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के बीच पूरी सुरक्षा के साथ आप त्यौहार कैसे मनाएं और साथ ही में बेफिक्र जिंदगी कैसे जी सकते हैं, तो उसका आज मैं कोरोना वायरस के कारण हर वक्त शख्स के मन में दहशत रहता है कि वो कोरोना का शिकार हो जाएगा, वही वक्त त्यौहार का चल पड़ता है कि ऐसे में जो लोग एक दूसरे से लंबे समय से मिल नहीं पा रहे थे, वे अपने रिश्तेदारों के घर मिलने जा रहे हैं के बारे में सोच रहे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वे लोग काफ़ी लंबे समय से किसी से मिलने नहीं जा पा रहे। लेकिन जब आप अपने किसी से मिलने जाए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा और सावधानियों के साथ ही कोरोना से बचा जा सकता है। और यह जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के बीच कैसे पूरी सुरक्षा के साथ आप अपने प्रियजनों से मिलने जा सकते हैं। तो यदि आप किसी रिश्तेदार के घर जाना चाहते हैं या रह रहे हैं, तो सबसे पहले कोविड-19 का टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही आप कहीं जाने की सोचें। और या कोई आपके घर आ रहा है तो यह नियम उनके लिए भी लागू होना चाहिए। और जब आप किसी से घर जाए या कोई आपके घर आए, तो गर्म या गुनगुने पानी का ही सेवन करें और ठंडी चीज़ों से दूर ही बनाई रहे। और जब आप अपने गर्म पानी का सेवन करेंगे, तो यदि रास्ते में किसी तरह के वायरस के संपर्क में आप यदि आप आए भी होंगे, तो गर्म पानी की मदद से यह खतरा आपको कम हो जाएगा। और सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करें और किसी के एकदम पास बैठकर बात ना करें और उनके उचित दूरी बनकर ही बातें करें। और घर में किसी कमरे में बैठकर बातचीत करने की अपेक्षा आप किसी खुली जगह पर बैठकर बातें कर सकते हैं, जैसे छत या आंगन, ऐसे में आप बैठकर बात कर सकते हैं। तो कोविड-19 में आपको कुछ ध्यान अच्छा रखना चाहिए, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और ऐसा न सोचे कि आप तो घर पर ही हो तो मास्क का क्या लगना, ऐसे विचारों से बचें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और इस बातों का भी ख्याल रखें कि आपके साथ मौजूद वह सभी लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया हो या ना किया हो। घर में आए मेहमानों को ठंडी चीज़ें से कोल्ड कॉफ़ी या कोई ठंडी चीज़ से सर्व न करें, इससे बचे। और इसके बजाय आप लोग अदरक वाली चाय या सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आप काढ़ा या हर्बल टी भी घर आए मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, जिससे उसे कोरोना का खतरा नहीं बढ़ता।